गुरुदेव आप एक अवतार हैं जो हम सब भक्तों को राह दिखा रहे हैं। गुरुदेव आपकी बातें बहुत गहरी हैं, सबकी समझ में आना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपकी बातों को कई कई बार सुनते हैं फिर लगता है कि अभी भी कुछ समझना बाकी है। गुरु जी आप धन्य हैं, जो आपको समझना सबके लिए कठिन है। गुरुदेव हर कोई आपको नहीं समझ सकता है, माफ़ कीजिएगा अगर ज़्यादा कह दिया हो, आप जैसा दयालु कोई नहीं है। अब देखिए मैं आपके परिचय में हूँ इसलिए आपको लगता है कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं और अच्छी बात है कि आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, पर कभी कभी हम थोड़ा सा भावनात्मक रूप से अगर रहें। अभी मैं बात कर रहा था, एक बच्चा है वो हमारे साथ अभी जुड़ रहा था तो मैं उसको समझा रहा था। उन्होंने कहा कि कोई, मैंने कहा जो बुरी बुरी चीज़ें हो सकती हैं उनको पहले सोचो, किसी भी संबंध में, किसी भी चीज़ में। जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हो, अब बिल्कुल मान के चलो कि मोबाइल भी खो जाएगा, जेब भी कट जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा, बस भी निकल जाएगी, जूते भी काटने लगेगा, तगादे वाले का फ़ोन भी आ जाएगा, जहाँ जाकर खड़े होंगे वहाँ से कार भी नहीं मिलेगी, तो ये सब कुछ बुरा 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 जितना नेगेटिव हो सकता है तैयारी के दृष्टिकोण से। वैसे नेगेटिव नहीं होना है पर तैयारी के दृष्टिकोण से, तो फिर क्या होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो जो भी कुछ जितना भी कुछ होता जाएगा वो शुभत्व से भरा होगा, वो आशा से भरा होगा, वो प्रसाद से भरा होगा, वो प्रेम और आत्मतोष से भरा होगा। तो आपके चूंकि बड़े बड़े अपने चीज़ें नहीं बना कर रखी होंगी तो ऐसा रहता है, तो हमें हमेशा ऐसा मानकर चले, फिर आपके लिए आसान हो जाता है रास्ता। बहुत एक सूखा प्रांत था बिहार में, पूर्ण काश्यप को रहते हुए 10 वर्ष हो गए हैं बुद्ध की शरण में। वो कहते हैं कि अब मैं कुछ और जगह जाकर के आपका संदेश प्रसारित करना चाहता हूँ, कुछ लोगों तक आपकी बात पहुँचाना चाहता हूँ, तो मुझे आज्ञा दें, मैं सूखा जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम सूखा के बारे में कुछ सुना है तुमने? बिहार प्रांत में एक स्थान होता था, सूखा नाम था उसका। तो बोले हाँ मैं जानता हूँ। बोले तुमने सुना है वहाँ के लोगों के बारे में कुछ परिचय है? बोले हाँ मैं जानता हूँ। बोले वो वहाँ के लोग सबसे ख़राब हैं। बुद्ध ने कहा पूर्ण काश्यप से कि वहाँ के लोग सबसे बुरे हैं और तुमने वही स्थान क्यों चुना? पूर्ण काश्यप कहता है कि हालांकि सब आप जानते हैं लेकिन फिर भी मेरे मुझसे सुनना चाहते हैं, तो जहां लोग बीमार होंगे, जहां लोग रोगग्रस्त होंगे, जहां लोगों के शरीर में व्याधियां होंगी, चिकित्सक को तो वहीं जाना चाहिए, हकीम और डॉक्टर को तो वहीं पहुंचना चाहिए जहां बीमार हैं, क्योंकि उनको ही उसकी आवश्यकता है, उन्हीं को उसकी अपेक्षा है, तो इसलिए मैंने वो स्थान चुना है। कहले चलो ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछता हूँ, वो मुझे बताओ। कहते हैं वो तुम्हारे साथ अभद्रता करें, जैसे कि उनका स्वभाव है, उनके बारे में चर्चा है और प्रसिद्धि है कि वो वहाँ बहुत, जो भी व्यक्ति जाता है उसको दुर्व्यवहार करते हैं, अभद्रता करते हैं, अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम्हें कैसा लगेगा? तो कहेंगे कि मैं सोचूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, शायद ही किसी बात से नाराज़ है, इनके मन की वृत्ति ठीक नहीं है, कुछ दिन हम बैठेंगे, ध्यान करेंगे, बात करेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, और कोई मेरे साथ इनका कोई पहला पूर्वाग्रह तो है नहीं, कोई पहला परिचय तो है नहीं, कुछ कह रहे हैं तो भावावेश होकर के कह रहे होंगे। बोले वो तुम्हें अब शब्द बोलते बोलते, अभद्रता करते करते, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते करते मारपीट करने लगे और तुम्हारे साथ गाली गलौज करने लगे। तो पूर्ण कहता है कि आप जानते हैं फिर भी मैं कहता हूँ, आपको उत्तर पूछा है तो इसलिए दे रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि सिर्फ अभद्रता ही कर रहे हैं, दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं, सिर्फ गाली गलौज ही कर रहे हैं, इतना काफ़ी है, कम से कम किसी तरह का शरीर को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इतना पर्याप्त है, इसके बाद थोड़े दिन में ठीक बातचीत मन ठीक होंगे तो बात ठीक हो जाएगी। कहते तीसरा अंतिम प्रश्न, फिर उसके बाद तुम जा सकोगे। कहते अगर वो गाली गलौज करते करते, दुर्व्यवहार करते करते, अभद्रता करते करते तुम्हें मारने पीटने ही लगें तो तुम पर क्या गुजरेगी, कैसा सोचोगे? पूर्ण कहता आप जानते हैं फिर भी पूछते हैं तो उत्तर देता हूँ। गुरुओं की चर्चाएं हैं, शिष्य संबोधि को उपलब्ध शिष्य हो चुके, गुरु के समकक्ष ही हो गए हैं, उसी भाव से बात करते हैं। कहते आप जानते सब हैं फिर भी मैं बताता हूँ। आप कहते तो मैं सोचूंगा कि इस जीवन में जिसमें बहुत पाप हो सकते थे, जिससे बहुत किसी का अनिष्ट हो सकता था, किसी की हत्या तक हो सकती थी, किसी को झूठ बोला जा सकता था, किसी की धन संपदा को हड़पा जा सकता था, उस जीवन से मुक्ति मिली। इन्होंने अगर मुझे मार भी दिया तो कम से कम जीवन से मैं मुक्त हुआ, तो परमात्मा को प्रणाम करूंगा जाकर के कि मैं तुम्हारे चरणों में आ गया। वो तो कहते हैं अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तुमसे किसी को कोई खतरा नहीं है और तुम्हारे कहीं कोई भी कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम अगर अपने जीवन में ये सोचें कि क्या क्या चीज़ें खराब हैं तो जीवन में बहुत आनंद रहता है फिर, और जीवन फिर जो भी कुछ मिलेगा उसी में आपको एक तसल्ली होगी, एक शांति का अनुभव होगा, एक सुख की प्रतीति होगी। गुरुदेव आप जो हंसती हैं, अगर कोई और होता तो पता नहीं खुद को क्या समझता, माफ़ कीजिएगा मन की बात है, लिख दी गई है।
मैं बहुत लोगों से मिली हूँ गुरुदेव अपने जीवन में, मगर आप जैसा कोई नहीं हूँ। हम जैसे होते हैं वैसी ही हमारी पूरी सृष्टि हो जाती है। जिस तरह की हमारी दृष्टि होती है वैसी पूरी सृष्टि होती है। तो बस मैं एक ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें सार्थकता है, आप उससे सहमत हैं, उससे एकमत हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसके साक्षी हो जाएं, न तो उपदेश भी ना करें पर उसके प्रमाण हो जाएं। बस वो सबसे बड़ी एक गुरु दक्षिणा होती है कि आप जीते जागते उस बात के एक मिसाल हों, उसके प्रमाण हों जो बातें हम कहते हैं। तो फिर जो जितनी भी देशनाएं, जितनी भी शिक्षाएं हम देते हैं आपके जीवन का एक हिस्सा हो जानी चाहिए, वो सबसे बड़ी। बस फिर समझिए कि आप पति उपभव वाली जो बात है वो पूर्ण हो गई और वो सारी चीज़ें फिर ठीक हो गई। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आप ऐसा मानते हैं तो अच्छा, ठीक है, ठीक लगता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा रूखा सा खुद को खुद रखा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा तन्मयता को निभा नहीं सकता। जैसे मैं हमेशा, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा है कि मैं किसी को 20% भी हार्दिक रूप से प्रेम नहीं कर सका हूँ। मतलब जैसे भाव इसका यह है कि जैसे मैं 10-5% करता हूँ उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देते हैं, फिर ऐसी चीज़ें शुरू कर देता है कि मुझे दो कदम पीछे हटना पड़ता है, वो एकदम उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। मतलब वो उन उस तरह के जीवन व्यवहार को अपना लेता है तो मेरी शिक्षाओं के एकदम विपरीत है, और फिर मुझे ठिठकना पड़ता है, क्योंकि वो या तो उस प्रेम के अतिरेक में या उस स्नेह के पारावार में या किसी भी चीज़ में, उसे लगा कि गुरुजी मुझ पर इतने मोहित या मुझसे इतने प्रसन्न हो गए, तो मैं प्रसन्न अभी तो 15-20% ही हुआ था, उतने में ही आदमी के ब्रेक फेल हो जाते, तो मुझे पक्के हाजमे वाला आदमी, अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आदमी मिले नहीं है, बहुत कम लोग, जो मिल गए हैं फिर संग साथ हैं, वरना तो उतनी देर में ही एकदम से लोग उलट पुलट करने लगते हैं, तो मुझे थोड़ा दो कदम पीछे हटना पड़ता चूँकि और मेरे पास कोई चारा नहीं। मतलब मैं अगर मैं उसको प्रेशर देते ही चला जाऊंगा तो उसकी खामियां गलतियां और बढ़ती चली जाएंगी, तो मुझे उसको कम करने का एक ही मात्र रास्ता मेरे पास बचता है कि मैं दो कदम ठिठक के पीछे हट जाऊं। तो मैं जो करना चाहता हूं वो तो मैं कर ही नहीं पाता, जैसा मैं हूं वो मैं प्रकट ही नहीं हूं, क्योंकि अगर प्रकट हो जाऊं तो कुछ और हो जाएगा फिर, तो इसलिए थोड़ा समय एक संकोच में ही रहता हूं। बहरहाल चलिए, कभी ऐसा समय होगा जैसे व्यक्ति होंगे उस तरह से बात बनेगी। पर खुश रहिए, एक अच्छा परिवार हमने बनाया और अच्छे आप सब लोग हमारे संग साथ हैं, और इसमें आपको भी बहुत श्रेय जाता है कि आपने भी कम झंझावात सह करके, कम परेशानियाँ नहीं झेली हैं आपने इस चुनाव को करने के बाद, हमारे संग साथ जुड़ने के बाद आपने कम तपस्या, कम साधना नहीं की है, कम इम्तहान नहीं दिया है। प्रतिपल ही बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, उन्हें रोज़ाना ही किसी को जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बाद भी अपना मन पक्का करके, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आप उसको करते जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी बहुत आशीष और साधुवाद और बहुत प्रेम की बात है। जय रे।